हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। यूपी योद्धा ने 3 NYP कैटेगरीज के प्लेयर को जो कि बेहतरीन प्रदर्शन पिछले सीजन किए थे उन लोगों को रिटेन किए हैं गाइस। एंड वो कौन कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं जो कि यूपी योद्धा की ओर से NYP कैटेगरी में खेल रहे थे एंड रिटेन किए गए हैं, इन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। एंड पिछले सीजन यूपी योद्धा ने बेहतरीन प्रदर्शन किए थे एंड सेमीफाइनल तक के रास्ते के सफर किए थे एंड गाइज वहीं पर कुछ गलतियों के कारण सेमीफाइनल में हमें हार का सामना करना पड़ा था। एंड यूपी योद्धा इस साल चाहेंगे कि वो बेहतरीन प्रदर्शन करें एंड इनमें से युवा रेडर जो कि NYP कैटेगरीज के प्लेयर हैं उन लोगों के ऊपर भी ये निर्भर करेगा कि वो कितने अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। अकेले यूपी योद्धा की ओर से प्रदीप नरवाल ही पिछले सीजन बेहतरीन प्रदर्शन किए थे एंड सुरेंद्र गिल भी साथ निभाते हुए हमें नजर आए थे। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि क्या NYP कैटेगरीज के प्लेयर इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। एंड यूपी योद्धा ने 3 ऐसे बेस्ट प्लेयर जो कि NYP कैटेगरी में पिछले साल थे उन लोगों को रिटेन किया है एंड कौन कौन से वो प्लेयर होने वाले हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड तीसरे नंबर पर आते हैं अनिल कुमार जो कि पेशे से एक रेडर है एंड दो ईयर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनको भी यूपी योद्धा में खेलते हुए नज़र आने वाले हैं एंड ये भी एक युवा रेडर है एंड ये गाइज अभी तक यूपी योद्धा की ओर से 7 मैच खेले हैं एंड 18 रेड पॉइंट हासिल किए हैं एंड इनको पिछले साल 8,78,000 दिया गया था एंड गाइज इस साल भी इनको 8,78,000 NYT कैटेगरी में देने वाले हैं। एंड उम्मीद करते हैं यहाँ पर अनिल कुमार बेहतरीन प्रदर्शन करें और यूपी योद्धा को जिताने में मदद करें। एंड दूसरे नंबर के प्लेयर का नाम है महिपाल यूपी योद्धा की ओर से पिछले सीजन भी खेलते हुए हमें नजर आए थे। यूं तो ये पेशे से एक रेडर है और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हमें पिछले सीजन नजर आए थे एंड इनको सीजन 9 में NYP कैटेगरी के प्लेयर में खरीदा गया था एंड सीजन 10 में गाइज ये यूपी योद्धा की ओर से हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। एंड यूपी योद्धा की ओर से 2022 में इन्होंने 5 मैच खेले हैं एंड 11 रेड पॉइंट हासिल किए हैं। महिपाल को यूपी योद्धा की ओर से डू आर डाई रेड में ज़्यादा मौका मिला था जिसकी वजह से इनको ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला है। महिपाल भी NYP कैटेगरी में हमें 2023 प्रो कबड्डी लीग में खेलते हुए नजर आने वाले हैं एंड उम्मीद करते हैं महिपाल भी अच्छे प्रदर्शन करे और यूपी योद्धा को जिताने में मदद करे। एंड पहले नंबर पर आने वाले दुर्गेश नेताम जो कि यूपी योद्धा की ओर से पिछले सीजन खेले भी थे एंड गाइज इस सीजन भी दुर्गेश नेताम यूपी योद्धा की ओर से हमें खेलते हुए नजर आएंगे। दुर्गेश नेताम को भी पिछले सीजन डू आर डाई रेड में ज्यादा खेलने का मौका मिला था एंड इनका भी प्रदर्शन पिछले सीजन बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे एंड हाल ही में दुर्गेश नेताम युवा कबड्डी सीरीज में भी धूम मचाते हुए नजर आ रहे हैं जो कि टॉप 2 रेडर में भी शुमार है एंड इनको पिछले सीजन गाइस 10 मैच खेले थे यूपी योद्धा की ओर से एंड 18 रेड पॉइंट हासिल किए थे एंड उम्मीद करते हैं यहां से दुर्गेश कुमार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हमें यूपी योद्धा के लिए नजर आए एंड यूपी योद्धा को जिताने में मदद करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।